हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको टॉप 3 बेस्ट पेनी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फ्यूचर में गारंटी से अच्छे रिटर्न देंगे। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शेयर आता है जो हमारे पास है, रफिला इंटरनेशनल कंपनी का। ये रबड़ सिलिकॉन मेकिंग टॉयज मेकिंग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है टॉयज वगैरह मेकिंग में। और 97.90 का प्राइस चल रहा है और बाकी इसकी फंडामेंटल स्मॉल कैप कंपनी है। ये फंडामेंटल की बात करूँ 519 करोड़ रुपए इसका फंडामेंटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, 19% इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रही है। बुक वैल्यू 36.34 है, इंडस्ट्री पी भी 29.55 है। प्रॉफिट की बात बताऊँ तो इसने 2021 में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, देख सकते हैं 33.43 करोड़ एज वेल एज 2020 2019 2018। और ये कंपनी आई थिंक आगे भी एक ऐसा अच्छा प्रॉफिट बनाती रहेगी। तो प्लीज इस स्टॉक को कंसीडर करें, 1-2 साल तक इसको कंसीडर करके रखें, उसके बाद सेल करें तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अब हमारा आता है सेकंड स्टॉक जो आता है, अब आता है हमारे पास पनामा पेट्रोकेमिकल कंपनी। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट और केमिकल्स वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह ये बनाती है कंपनी। इसकी करंट प्राइस चल रही है 245% और इसकी फंडामेंटल की बात करें 1481 करोड़ रुपए इसकी फंडामेंटल है मार्केट कैप। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है 27.23%, बुक वैल्यू भी 92.73 और इंडस्ट्री पी 29.55 है। अब आप बाकी इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो इसने 2021 में एक अच्छा रिजल्ट कमाया एज वेल एज पीछे वाले ईयर से 2020-2019 से। 2021 में इसने 135 करोड़ रुपए इसने कमा लिए है। और बाकी इसकी प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 71.70% है और 26.48% रिटेल ऑर्डर के, और फॉरन इंस्टीट्यूट के पास 1.82% है। और बाकी जो मैंने आपको पीछे जो स्टॉक बताया था उसकी भी प्रमोटर की होल्डिंग आई लमसम 73-74% है उसके पास, उसकी प्रमोटर के पास उसकी होल्डिंग। ये स्टॉक भी आपको एक फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये जो मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, जो तीनों स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म में आप कंसिडर करके रखें तो आपको फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड स्टॉक। अब आ जाती है हमारे पास थर्ड जो कि हमारा लास्ट शेयर है रोटो पंप्स। इसकी करंटली प्राइस चल रही है ₹195.50। आपको इसकी नाम से ही पता चल गई, मेनली पंप वगैरह मेनली का काम करती है। और बाकी इसकी अभी प्राइस थोड़ी ड्रॉप हो रखी है तो आप अभी इसका मौका है, आप इसको शेयर को परचेज कर लीजिए। और बाकी मैं इसकी फंडामेंटल की बात बताऊं तो मार्केट कैपिटल है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन की 308 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो मैंने आपको जो अभी दोनों स्टॉक बताए थे उनकी बहुत अच्छी थी, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी भी बहुत अच्छी है 19.21%। बुक वैल्यू 66.84 है इसकी, इंडस्ट्री पी 33.23। इसकी प्रॉफिट की बात करें 2021 की इसके प्रॉफिट की ईयरली वाइज की, तो इसने अच्छा प्रॉफिट गेन कराया एज वेल एज जो अपने पिछले वाले ईयर है 2019-20 से 18.33 करोड़ इसमें इसने प्रॉफिट कमाया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। और बाकी इसकी प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 69.93% इसके प्रमोटर के पास इसकी होल्डिंग्स है, रिटेल और अदर के पास भी 29.52% है और फॉरन इंस्टीट्यूट 0.55%। बहुत अच्छी कंपनी है, एक अच्छी ग्रोथ के साथ अभी ये बढ़ रही है, तो इसको 2-3 साल तक कंसिडर करके रखो तो आपको एक फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नई नई वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।